बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है उतना ही करुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्रीराम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गईं माताएं, पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगीं। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो। देही अवसर भाइन सहित राम भानु कुल के तू चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हे चलन चहत हहि आजू कीन विदेह विदा कर साजू नेहु नयन भरी रूप निहारी प्रिय पाहुने भूप सुत चारी को जाने के ही सुकृत सयानी नयन अतिथि किन्हे विधियानी मरण सीलु जिमी पाव पीऊ खा सुर तरुल है जन्म कर भूखा पाव नार की हरि पदु जैसे इन कर दर्शन हम कहां तैसे निरखी राम सो भावर धरे हो निज मन भानी मूरति मनी कर हो एही विधि सब ही नयन फलु देता कहे कुंवर सब राज निकेता हर्षि उठारानी वासु करहिनी छावरी आरती महामुदित मन सासु राम छवि अति अनुरागी प्रेम
प्रीत उबटी अनवाए। छरस आसन अति है तुझे वाए, बोले राम सो अवसर जानी। शील स्नेह सकुच मया बानी, राव अवधपुर चहत सिधाए। विदा होन हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आय सुदेहू। बालक जानी करब नित नेहू। सुनत बचन पिल खेउरानी बात, बोली न सकही प्रेम बसता। हृदय लगाई कुंवरी सब ली, पति न सौंपी बिनती अति कीनी। करी विनय सी राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊं। तात सुजान तुम कहूं, विदित गति सब किया है। परिवार पुर जन मोहि राज ही, प्राण प्रिय सिय जानी भी। तुलसी सीलु सने लखनी ज किं करी करी मानी भी। जनु गिरा समानी, सुनि स्नेह सानी बरबानी। बहु विधि राम सासु सनमानी। राम पिता मागत कर जोरी, किन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। मंजू मधुर मूर दियुर आनी, भाई स्नेह शिथिल सबरानी। पुनि धीर जुधर कुंवरी कंकारी, बार बार भेट ही महतारी। पहुँचा वही फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिनी धेनु लवाई। राजा जनक के महल में बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरह ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को सोने के पिंजरों में पाल पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहां हैं। और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं।
मुहूर्त देखकर सुंदर सजीव ही पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूलि माथे पर लेकर राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है, देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कुशलपति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते। प्रेम भी बस नर नारी सब सखिन सहित निवास मानहु कीन विदेहपुर करुणा बिरह निवास। सारिका जान की जाए कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए व्याकुल कहि कहाँ बदेही सुनि धीरजु परिहरि न केही। भय विकल खग मृग ही भांति मनुज दशा कैसे कही जाती बंधु समेत जनक तब आए प्रेम उमगी लोचन चल छाए सीय बिलोकी वीरता भागी रहे कहावत परम विरागी लीन राय उर लाई जान की मिटी महामर जात ज्ञान की। समझावत सब सचिव सयाने कीन विचारुन अवसर जाने बार ही बार सुतापुर लाई सजी सुंदर पाल की मगाई। परिवार सब जानी सुलगन नरेश कुंवरी चढ़ाई पालकीन सुमिरे सिद्धि गने। भूप सुता समुझाई नारी धर्म कुल रीति सिखाई दासी दास दिए बहु तेरे सुचि सेवक जे पियसिय तेरे सिय चलत व्याकुल पुरवासी हो ही सगुन शुभ मंगल राशि भूसु
सुर सचिव समेत समाजा संग चले पहुँचावन राजा समय पिलो की बाजने बाजे रथ गज बाजी बरातिन साजे दशरथ विप्र बोली सब लीने दान मान परी पूरन कीने चरण सरोज धूरी धरी सीसा मुदित मही पति पाए सीसा सुमिर गजाननु कीन पयाना मंगल मूल सगुन भय नाना प्रसून बरसही हरषि करही अपछरागान चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निसान नृप करी दी महाजन फेरे सादर सकल मागने तेरे भूषण बसन बाजी गज दीने प्रेम पोषी ठाढ़े सब कीने बार पीरी दावली भाखी फिरे सकल राम ही उर राखी बहुरी बहुरी कोसल पति कही जनक प्रेम बस फिरे न चाही पुनि कह भूपति बचन सुहाए दूरी बढ़िया राव बहोरी उतरी भड़े प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े तब विदेह बोले कर जोरी बचन स्नेह सुधा जन बोरी करो कवन विधि विनय बनाई महाराज मोहि दीनी पढ़ाई। बेटियों को विदा कर बारातियों से विदा मांगते हुए राजा जनक ने समधि तथा उनके स्वजनों का भरपूर सम्मान किया। मुनि मंडली के सामने शीश झुकाकर उनका आशीष प्राप्त किया और फिर जामाताओं को हाथ जोड़े अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए बोले, आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन बनाकर मुझे अपनाया। मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा अपरिमित है। मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे ये याचना करता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके श्री चरणों को ना छोड़े। श्री राम ने पिता दशरथ, मुनिवर विश्वामित्र, कुलगुरु वशिष्ठ तथा पिता सदृश जनकराज का विनयपूर्वक सम्मान किया। मिथिलेश ने भरत को स्नेहपूर्वक प्रेमाशीष दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आशीषा और फिर मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में नतमस्तक हुए, जिनकी कृपा से ही आज उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोले, हे स्वामी, आपकी अनुकंपा से ही मुझे ये सुख, सुयश और सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। कौशलपति स
समधी सजन सन्माने सब भांति मिलनी परस पर विनय अति प्रीति न हृदय समाति मुनि मंडली ही जनक सिरु नावा आशीर्वादु सब ही सन पावा सादर पुनि भेटे जा माता रूप सील गुण निधि सब भ्राता जोरी पंकरुह पानी सुहाए बोले बचन प्रेम जनु जाए राम करो के भांति प्रशंसा मुनि महेश मन मानस हंसा करही जोग जोगी जेही लागी कोहु मोहु ममता मधु त्यागी व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि मन समेत जही जान न बानी कर की न सकही सकल अनुमानी महिमा निगमु नेति कही कहई ज्योति हूँ काल एक रस रहई नयन विषय मो कहूं भयउ सो समस्त सुख मूल सब लाभ जग जीव कहं भय ईसु अनुकूल सब ही भांति मोहि दीनी बड़ाई निज जन जानी लीन अपनाई को ही सहस दस सारद सेखा करही कलप कोटिक भरी लेखा भाग्य राउर गुन गाथा कही न सिराही सुनहू रघुनाथा मैं कछु कहऊ एक बल मोरे तुम्हारी झहू स्नेह सुठी थोरे बार मागऊं कर जोरे मनु परिहरे चरण जनी भोरे सुनी बर बचन प्रेम जनु पोषे पूरन काम राम परितोषे परिबर विनय ससुर सन्माने पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने बिन
विनती बहुरी भरत सन कीन्ही मिली सप्रेम पुनि आशीष दीन्ही। मिले लखन रिपुसूदन ही दीन ही असीस महीस भय परस पर प्रेम बस फिरी फिरी ना वही सीस। बार बार करी विनय बड़ाई रघुपति चले संग सब आई जनक गहे कौशिक पद जाई चरण रेणु सिर नयनन लाई बर दर्शन तोरे अगम न कछु प्रतीति मन मोरे जो सुख सुजसु लोक पति चहई करत मनोरथ सकुचत अहही सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी किन्हीं विनय पुनि पुनि सिरुनाई फिरे महीसु आशीषा पाई। चली बरात निशान बजाई मुदित छोट बड़ सब समुदाय राम ही निरखी ग्राम नर नारी पाई नयन फलु ही सुखारी। जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगीं। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है। धुनी है
गृह गृह रचे सवारी, सुर ब्रह्मादि पिहाही सब रघुबर पुरी निहारी। भूप भवनु तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई। जनु छाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम बैदेही, कहु लाल सा हो ही न केही। जूथ जूथ मिलि चली सुवासिनी, निज छवि निदरहि मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु बेश भारती। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनि समौ सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। विपुल पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदारथ चारी। सब माता चलहिन चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद धूप दधि पल्लव फूला, पान फूग फल मंगल मूला। अक्षत अंकुर लोचन राजा, मंजुल मंजरी तुलसी राजा। छुहे पुरत घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड बनाए। सकुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रा।